बिहार में कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 फरवरी तक परीक्षा चलेगी। इस बार इंटर परीक्षा में लगभग 14 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और 12:45 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 पर शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा और छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें वो अपना पेपर पढ़ सकते हैं। अतिरिक्त 15 मिनट के दौरान छात्र पेपर देख सकते हैं लेकिन कुछ लिख नहीं सकते। कल पहले दिन मैथ्स और हिंदी का पेपर है। छात्रों को सलाह है वो परीक्षा में एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं और अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं और अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हेडफोन और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सख्त वर्जित है।